वी विल मेक द सेशन इंटरेक्टिव एंड आई विल आस्क द मिनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू. इफ यू विल बी अनेबल टू रिप्लाई देन आई विल क्लैरिफाई द थिंग्स. दिस विल बी द वे. सो प्लीज लुक एट, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस फोबिया? यस बेटे, कैन एनीबॉडी टेल मी? टीचर इज आस्किंग अबाउट दिस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? एनीबॉडी? बेटे, देयर आर थ्री सेक्शंस एंड आई हैव बीन टोल्ड दैट यू ऑलरेडी नो दिस आर्टिकल. आई एम जस्ट आस्किंग इट, व्हाट इज दिस पॉइंट फोबिया एंड इट्स फुल नेम इज सेंट्राफोबिया. प्लीज कम ऑन द माइक आउट ऑफ द फोर सेक्शन इफ एनीबॉडी नोज. No one. Okay, बेटे. So I am going to tell you. Please be attentive. Look, बेटे, suppose मैं इसको example से बच्चा बताता हूं. Suppose करो मैं ऐसे क्लास में लेक्चर दे रहा हूं और पर्टिकुलरली एक बच्चे से मेरी इंटरेक्शन हो रही है. वो बच्चा मेरे फेस की तरफ देख रहा है और बाकी सारे बच्चे भी मेरे फेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मेरी नजर खास तौर पे किस पे है? उस पर्टिकुलर बच्चे से जिससे मैं बात कर रहा हूं. तो जिस बच्चे से मेरी इंटरेक्शन हो रही है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, उस बच्चे के फेस का जो इमेज बनेगा जहां पर मेरी आईज आर प्राइमरीली फोकस्ड, उस ऑब्जेक्ट का, उस बच्चे के फेस का जो इमेज बनेगा वो आंख के रेटिना के सबसे ज्यादा सेंसिटिव पॉइंट पर बनेगा और वही पॉइंट सेंट्राफोबिया कहता है, कहलाता है. आई रिपीट, हमारी ये रेटिना होती है जिसके ऊपर इमेज बनता है, और रेटिना पे भी जो वो मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट है जहां पर उस चीज का इमेज बनेगा जिस पे आईज प्राइमरीली फोकस्ड है. अगर मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे से बात कर रहा हूं, मैं उसकी तरफ देख रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि बाकी के बच्चों का इमेज मेरी आंख में नहीं बन रहा. वो भी मेरे को दिख रहे हैं ऐसे भीड़ के रूप में कि इस बच्चे से मैं बात कर रहा हूं, बाकी आसपास कुछ और बच्चे भी बैठे हैं. तो बाकी बच्चों का जो इमेज बनेगा वो सेंट्रोफोबिया पे नहीं बनेगा, लेकिन जिस बच्चे से मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, जिस पे मेरी आईज प्राइमरीली फोकस्ड है, वो सेंट्राफोबिया पे बनेगा. यानी ह्यूमन आई के रेटिना के ऊपर मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट जिस पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है जहां पर आईज प्राइमरीली फोकस्ड है. फॉर एग्जाम्पल, श्री सचिन तेंदुलकर जी बैट से शॉट लगाते हैं. जब बैट से शॉट लगाते हैं तो उनका सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर होगा? बैट बॉल पर होएगा, बॉल पर. तो उस बॉल का जो इमेज बनेगा ना बेटे, वो सेंटर ऑफ फोबिया बनेगा. तो लिख सकते हो सभी बच्चे, शाबाश. राइट डाउन, फोबिया द मोस्ट सेंसिटिव एंड एफिशिएंट पॉइंट, द मोस्ट सेंसिटिव एंड एफिशिएंट पॉइंट ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, वेयर, ये भी लिखो साथ में, वेयर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, वेयर इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, एट विच आईज ऑफ द ऑब्जर्वर आर प्राइमरीली फोकस्ड, एट विच आईज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर
प्राइमरीली फोकस्ड, प्राइमरीली फोकस्ड, गॉट इट बेटे? ये था। अच्छा बेटे, अब एक मैं यहां से पूछा करूंगा, एक मैं अपनी तरफ से वर्ड लिखा करूंगा ताकि मेरे को पता लग सके आप बता पाते हो कि नहीं। राइट, शाबाश। इस आई बॉल का अगर मैं डायामीटर देखूं बेटे, ये डायामीटर आई बॉल का, कौन बच्चा बताएगा ये कितना होता है? देखो टीचर ने आपसे, अब देखते हैं कितना, कितने क्रॉस लगते। टीचर ने पहला क्वेश्चन पूछा, आप नहीं जवाब दे पाए। अब टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डायामीटर ऑफ ह्यूमन आई? ही 2.3 सेंटीमीटर। सेइंग 2.3 सेंटीमीटर। मैं इस बच्चे को चलो मार्क्स दे दूंगा, लेकिन 2.5 बोलो बेटे, लेटेस्ट जो इन्होंने लिख के दिए, तो फिर भी चलो मैं बताऊंगा आपको, करेक्ट बोलता हूं, तो सेकंड आंसर आप दे पाए। राइट, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। आई बॉल के अंदर एक पर्टिकुलर लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन। उसके रुक ऐसी उम्र तो जाओ बेटे, उसके दो मेन काम क्या हैं? उसके दो मेन काम क्या हैं? जो बच्चा ये दोनों बता देगा, तीनों चीजें, फिर टिक मिलेगा आपके स्कूल को। शाबाश, दिस इज द क्वेश्चन टू द फोर सेक्शंस ऑफ द स्कूल। मैं ये कह रहा हूं, ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसका नाम अभी अभी विट्रस ह्यूमर बोला बच्चे ने, जो कि सही भी है, उसका काम क्या है? क्या वो कलर्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है? सर, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट सप्लाइज ब्लड एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। नहीं बेटे, आपका ये तो ठीक है कि ट्रांसपेरेंट है, बाकी नहीं ठीक है। एनीबॉडी? तो सुनो, इस लिक्विड के दो काम होते हैं बच्चे। पहला काम इसका ये होता है कि अगर आंख में बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये लिक्विड अंदर से उस प्रेशर को कंपनसेट करता है, ताकि आई की जो बॉल है वो स्फेरिकल शेप में बनी रहे। ये इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को कंपनसेट करके आंख को स्फेरिकल शेप बनाए रखता है, पहला काम। दूसरा काम, इधर से जो रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे रे ऑफ लाइट आएगी लेंस में से निकल के, उस रे ऑफ लाइट को फैलने नहीं देता, ऐसे फैलने नहीं देता उसको, उसको बिल्कुल पैरेलल रखता है, शार्प रखता है, ठीक है, डाइवर्जेंस नहीं होने देता उसकी। एक नैरो बीम आ रही है, तो जितनी चलते वक्त जितनी मोटी है, उतनी ही मोटी वो रेटिना तक पहुंचने के लिए तक होएगी। ऐसा नहीं है कि यहां से निकली वो 2 मिलीमीटर थी और रेटिना तक पहुंचते पहुंचते 2.5 मिलीमीटर होगी, ऐसा नहीं है। उस चीज को अचीव करने के लिए ये लिक्विड हमें मदद करता है, बीम को मोटा होने से रोकता है, उसकी डाइवर्जेंस को रोकता है, ये दोनों इसके काम है। पहला कौन सा हो गया? शेप वाला बेटे, आई की शेप बना के रखता है। दूसरा, आउटवर्ड रे की जो डाइवर्जेंस है, थिकनेस है, उसको रोकता है, होने नहीं देता, शार्प बीम रखता है, ये इसके दो काम है। शाबाश, अब ये सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको हाफ टिक दूंगा बच्चे, हाफ टिक, ठीक है, हाफ क्रॉस हो गया, हाफ टिक, आधा जवाब दे सके आप, आधा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बच्चा बताता है। टीचर एक वर्ड लिख रहा है, आपने बताना है ये कहां पर होता है और इसका काम क्या है। ये वाला एक लिक्विड है,
ये कहां पर होता है और इसका काम क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ एक्वस ह्यूमर, वेयर इट इज इन द ह्यूमन आई एंड व्हाट इज इट्स जॉब? द क्वेश्चन टू ऑल द फाइव सेक्शंस। एनीबॉडी प्लीज कम ऑन द माइक। अगर आप जवाब देते हो तो आपके स्कूल को एक नंबर, नहीं तो नहीं। एनीबॉडी आउट ऑफ फाइव सेक्शंस कहां पर होता है, इसका काम भी बताना है बेटे आपको। बिटवीन द आई लेंस एंड कॉर्निया, पढ़ना। ओके, व्हाट इज इट्स जॉब? व्हाट इज इट्स जॉब बेटे? एनीबॉडी? हाफ आंसर इस बच्चे का सही है। प्रेशर बैलेंस मेंटेन इनसाइड एंड आउटसाइड द आई। बैठो, सेकंड टाइम आपका आज आपने इधर से अंदाजे से आंसर दे दिया प्रेशर वाला, लेकिन इस बार इसका आंसर ये नहीं है। एक बात सही है बेटे, इस बच्चे ने बिल्कुल बताया कि लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है इस जगह पर, बिल्कुल सही। आधा टिक आपको मिलेगा। दूसरा इसका काम होता है बेटे, ये क्योंकि ये एक लिक्विड है तो ये लिक्विड जो है ना इस ट्रांसपेरेंट लेयर को लेंस के साथ चिपकने नहीं देता, उसको एट डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखता है। लेंस का अंदर से क्लीनिंग भी करता रहता है और इस ट्रांसपेरेंट लेयर को क्रिस्टलाइन लेंस से चिपकने भी नहीं देता। इट डज नॉट अलाउ द ट्रांसपेरेंट लेयर ओवर द लेंस टू गेट स्टिक्ड टू द लेंस। तो आधा आपको क्रॉस देना पड़ेगा बेटे, आधी चीज आपको पता थी आधी नहीं। अभी तक आपका मैच ड्रा चल रहा है, देखो देखते हैं आप जीतते हो कि नहीं। हमारा सेशन ऐसे ही जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सभी बच्चे याद रखें, लेट मी समराइज। एक्वस ह्यूमर इज द ट्रांसपेरेंट लिक्विड विच लाइज बिटवीन लेंस एंड ट्रांसपेरेंट कॉर्निया एंड इट्स जॉब इज नॉट टू लेट द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया टू गेट स्टिक टू द लेंस ऑटोमेटिकली। दिस लिक्विड ऑल्सो कीप्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द लेंस क्लीन। ओके लो बच्चे, अब मैं अपने बच्चे से एक चीज और पूछ रहा हूं, ये क्या चीज होती है और इसका काम क्या है? सेक्लेरा, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज इट्स जॉब? एनीबॉडी इन द क्लास? फाइव सेक्शंस, अगर एक सेक्शन में 50 बच्चे भी होंगे तो सोचो 300 बच्चों से एक क्वेश्चन, व्हाट इज द जॉब ऑफ सेक्लेरा? एनीबॉडी प्लीज कम ऑन द माइक। परमिंदर, रूबी, अंशिका, बच्चा मेरे को बताया गया बड़ा अच्छा है। सिमरन, हर्षित, बच्चा बड़ा अच्छा बताया गया, कोई बच्चा 10th B में, शाबाश। इसका क्वेश्चन कोई जवाब नहीं दे पा रहा। सुनो बेटे, अब टीचर इसको बताएंगे। बेटे सेक्लेरा जो होता है सफेद कलर का, इवन आप मेरी आईज देखो तो आईज के अंदर ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है आपको, इधर उधर जो मूव कर रहा है उसकी साइडों पर जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है वो सेक्लेरा है, और उसी का आगे पूरा व्हाइट बॉल बना होता है। ये व्हाइट कलर का जो सेक्लेरा है ये कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है, और इनका काम क्या खूबी होती है इसके अंदर, इस टिश्यूज के अंदर स्पॉन्जी बॉल की तरह स्पॉन्ज होता है, इसमें किसी भी जर्क को, इंजरी को टॉलरेट करने की बड़ी शक्ति होती है। आपने देखा कभी कभी आपकी आंख में उंगली लग जाती है किसी बच्चे की, थोड़ी देर ही आपकी आंख डिस्टर्ब रहती है और विद इन यू कैन से 1 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो ये जो सेक्लेरा होता है ना, इसको अगर हम ऐसे, मैं उंगली से ऐसे दबा दूं और छोड़ दूं तो वापिस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू इसको स्पॉन्जी करेक्टर देते हैं, स्पॉन्जी बॉल की तरह। तो इसका मतलब है ये आईज को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। आया समझ बेटे? हैव यू गॉट इट, यस और नो? तो इसका मतलब है इस वाले में आपको क्रॉस मिलेगा।
तो अभी तक आपके स्कूल के हुए बिग क्रॉस स्मॉल क्रॉस स्मॉल क्रॉस, और टिक में बिग टिक स्मॉल टिक स्मॉल टिक। स्मॉल टिक का मतलब हाफ आंसर दिया आपने। ओके बच्चे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मेरे को आपने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सुना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो एरो दिख रहा है आपको, हैव यू सीन, ये जो एरो जा रहा है, ये एरो, एक मिनट पहले क्वेश्चन तो होने दो बेटे, तभी तो बात बनेगी। ये एरो जिसको आगे मैंने ब्लैक कंटिन्यूटी में कर दिया, इस पूरा क्वेश्चन सुन लेना, इस लेंस का कंप्लीट नेम क्या होता है, कंप्लीट नेम बताना है। अगर सिर्फ आपने ऐसी लेंस बोल दिया फिर नहीं मैंने जो आंसर देना। क्रिस्टलाइन लेंस। अभी क्वेश्चन तो होने दो, ये इस लेंस का कंप्लीट नाम क्या है, और दूसरा इसका नेचर क्या? ये दो क्वेश्चन है, अगर आप जवाब दोगे दोनों तो फुल टिक मिलेगा स्कूल को। बाइकन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस एंड इट्स नेचर इज बाइकन्वेक्स। नो सर। हाँ, आपका कोई और बच्चा जवाब देना चाहे? एक्सलेंस। सुनो 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 सुनो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी क्लास को फुल टिक दिया जाता है, तो इसका नाम है, ध्यान से सुनना बेटे, इसको आई लेंस नहीं बोलना आपने, इसको पूरा लिखना आपने, क्रिस्टलाइन पूरा नाम, वैसे क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर आई लेंस, क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर आई लेंस, इतना लिखना है। चलो अल्ट्रा क्लियर नहीं बोला तो भी कोई बात नहीं, पर पेपर में लिखना आपने। दूसरी बात, इसकी नेचर, ये नेचर दोनों तरफ से ऐसे है, एक बच्चे ने बताया सर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बेटे साथ में आपने एक चीज और भी लिखनी है, लेकिन बाई कॉन्वेक्स लेंस लिखने के साथ साथ ये भी बताना है कि इसका नेचर है पैरेलल बीम ऑफ लाइट को सिंगल पॉइंट पे फोकस करना, ये भी साथ में लिखना है। पर आपने बाई कन्वेक्स ले दिया क्वेश्चन के मुताबिक, कम से कम जो आंसर बनता था वो तो आपने दे दिया, पर आपके ही दिए हुए आंसर को टीचर बेटर कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन अल्ट्रा क्लियर आई लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस इसका नेचर है, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को किसी सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, इतना लिखना है। तो फिर भी आपका फुल टिक है, नो प्रॉब्लम। अभी तक मैच ड्रा चल रहा है, देखते हैं पीरियड के लास्ट तक आप जीतते हो या नहीं जीत पाते, राइट? अब जितनी चीजें मैंने लिखी हैं मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं, ताकि तो फिर से देखो बेटे। अब मेरा अपना क्या था बेटे, हमारे पास था मेन टिक स्मॉल टिक स्मॉल टिक, मेन क्रॉस स्मॉल क्रॉस स्मॉल क्रॉस, अभी तक आपकी ये परफॉर्मेंस। नाउ माय मैसेज इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना, पूरा क्वेश्चन सुनोगे तभी आंसर बनेगा आपके। सर आई माय नेम इज धीरज वशिष्ठ, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये ऑप्टिक नर्व का जॉब क्या है, पूरा क्वेश्चन सुन लेना पहले, इसका जॉब क्या है, इसका काम क्या है, और ये उसको करता कैसे है, हाउ डज इट डू दैट, इसका जॉब क्या है और ये उस काम को कैसे करता है, ऑप्टिक नर्व। सो दिस क्वेश्चन इज टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, प्लीज कम ऑन द माइक एंड ग्रैब द मार्क स्कोर फॉर योर स्कूल। शाबाश। carries the message from the eye to the brain by converting it into electrical impulses. बैठो, इस बच्चे ने मेरे को सिंपल शब्दों में बता दूं जिनको नहीं समझ आया, इसने बोला कि ये मैसेज यहां से ब्रेन को लेके जाएगा और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में लेके जाएगा, ऐसा इस बच्चे ने दिया।
तो मैं इस बच्चे को स्कोर तो दूंगा फुल आपके स्कूल को, पूरा स्कोर दूंगा, लेकिन मैं उसको इम्प्रूव करूंगा बेटे। देखो पहले हिंदी में बताऊंगा, ऑप्टिक नर्व, ध्यान से सुनो, रेटिना पे बने हुए इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाएगा। फिर ब्रेन क्या करता है बेटे, ब्रेन उस इमेज को ना अपनी पुरानी मेमोरी से कंपेयर करता है और कंपेयर करके आपको बताता है कि आप क्या चीज देख रहे हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ब्रेन भी पहली बार उस चीज को देखता है। मान लो मैं आपको कारों की फैक्ट्री में ले जाऊं और आपको दिखाऊं बेटे ये देखो ये क्या चीज है, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन फिर मैं उसको बता दूं ये कार्बोरेटर होता है कार का पार्ट, तो अगली बार जब आपका ब्रेन उसी चीज को देखेगा तो बता देगा कि अब भी आप कार्बोरेटर देख रहे हो। यानी क्या है, ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन हमें उस इमेज को पुरानी मेमोरी से कंपेयर करके बताता है कि हम देख क्या रहे हैं। चलो वो तो ब्रेन की बात अलग है, ऑप्टिक नर्व की बात सही बताई इस बच्चे ने। दूसरी बात में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, इसने बोला कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में ब्रेन को लेके जाता है। आपने साथ में ये भी बोलना है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस, कोई बच्चा बोलेगा सर फिर करंट क्यों नहीं लगता, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस बहुत कम वोल्टेज की होती है, माइक्रो वोल्ट्स की होती है, इतनी कम वोल्टेज की कि हमें पता भी नहीं लगता, राइट। तो आपने कहना है कि वो मैसेज जो ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाती है वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ माइक्रो वोल्ट, ये साथ में बोलना, लेके जाती है। अब मैं इसको इंग्लिश में बताऊं, ऑप्टिक नर्व जॉब इज टू टेक द मैसेज ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू द ब्रेन एंड इट डज इट जॉब बाय टेकिंग द मैसेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस ऑफ माइक्रो वोल्ट मैग्नीट्यूड। समझ आया बेटे आपको थोड़ा बहुत कैसे इंप्रूव करना है, समझ आया बच्चे? आपने डायरेक्टली ये नहीं बोल देना मैसेज फ्रॉम द रेटिना, ना आपने बोलना है मैसेज ऑफ फ्रॉम रेटिना ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना टू ब्रेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो वोल्ट इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो फिर भी पूरा स्कोर दिया, इस बार आपके टिक ज्यादा हो गए हैं, आगे चलते हैं, शाबाश। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर एरो लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर एरो के उसके सामने मैं क्या नाम लिख सकता हूं और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? दोनों आंसर सही होंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। शाबाश, ओपन क्वेश्चन टू ऑल द स्टूडेंट्स। Sir, it is cornea. It acts like a window and allows the entry of light into the eye. बिल्कुल सही, इसका फंक्शन, इसका नाम कॉर्निया है और विंडो इसलिए क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। और कोई कुछ नहीं बेटे, और कुछ? बैठो, इसका मैं हाफ टिक दूंगा बेटे आपको, फिर सुनो ध्यान से, शाबाश। इसके अंदर टीचर अगर बताएगा कि ध्यान से सुनो बेटे, ये बिल्कुल सही बच्चे ने बताया, इसका नाम ट्रांसपेरेंट लेयर है, यहां से यहां तक, ये ट्रांसपेरेंट लेयर को कॉर्निया बोलते हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट होता है, अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है इसमें, ठीक है। तीसरी बात, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अगर आंख में कभी चोट लग जाए और वो चोट इधर लग जाए, 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 तो वो आंख ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आंख के यहां पर दो जगह पर चोट लग जाए जो मैं बोलने लगा हूं, तब अभी तक मेडिकल साइंस के पास इलाज नहीं है, वो कौन सा, इस लेंस के यहां चोट लग जाए या ये विट्रस ह्यूमर का लिक्विड बाहर निकल जाए, गिर जाए किसी तरह से, रैप्चर हो जाए ये आई बॉल,
दो जगह पर चोट लग जाए तो कोई भी दुनिया का डॉक्टर उसको नहीं ठीक कर सकता। तो ये जो कॉर्निया होता है ये लाइट के लिए एंट्री विंडो तो है ही है, बहुत अच्छी विंडो है क्योंकि ये अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट है, पर साथ के साथ ये लेंस को इंजरी होने से बचाता है। ओके बेटे समझ आ गया? और लेंस को इंजरी होने से बचाता है ताकि कोई अगर चीज सेंसिटिव हो और आंख की तरफ आए सबसे पहले इसको टच लग करे, इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, मामूली सी भी इसके साथ कोई चीज टच कर जाए ब्रेन को एकदम मैसेज आता है और ब्रेन आंख को पीछे खींच लेता है, लेंस बच जाता है। तो आपने बोलना है कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर, ठीक है बेटे, अल्ट्रा ट्रांसपेरेंट लेयर, इट एक्ट्स द विंडो फॉर द एंट्री ऑफ लाइट सच दैट लाइट स्ट्राइक्स द क्रिस्टलाइन आई लेंस, बट एट द सेम टाइम कॉर्निया बीइंग वेरी सेंसिटिव टू द टच इट प्रोटेक्ट्स द आई लेंस। समझ आया बच्चे? तो आपको इसका हाफ टिक दिया जाएगा। अब अगली बात ध्यान से सुनना, टीचर जहां पर एरो निकाल रहे हैं वो आपने बताना है क्या है और उसको क्या बोलते हैं। शाबाश, इसका काम क्या? देखो ये एरो कहां से आ रहा है, ब्लू कलर वाला, इधर से भी है, ये ऊपर जो रेड पोर्शन में दिखा रखा है रेड और येलो, ये क्या चीज है और इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है? एनी बॉडी इन द क्लास ये बोलो। बोलो बेटे। हाँ सेलरी मसल्स सिलियरी मसल्स तो ये हैं बेटे, ये वाले हैं सिलियरी मसल्स, ये तो कुछ और है, बताओ क्या? आयरिस एक बच्चे ने बोला कि सर ये आयरिस है, आधा आंसर सही हुआ। इसके क्या क्या दो काम हैं, दोनों काम अगर सही बता दोगे तो आपको वहां पर फुल टिक मिल जाएगा, वरना आधा आधा टिक तो मिल चुका है आपको। दिस इज आयरिस, इट गिव्स कलर्स टू द आईज एंड और द कुछ? साइज ऑफ इट प्यूपिल। हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द एंट्री ऑफ लाइट। पहला काम ठीक है, एक जॉब ठीक है जो गुड़िया ने बताया, दूसरे बच्चे ने मेल बच्चे ने बताया था कि सर ये कलर देता है आंख को, और कौन कौन से फाइव कलर दे सकता है ये बता सकते मेनली कौन कौन से फाइव कलर? उसके लिए आपने देखो बेटे ये याद रखना है, बी जी ये मेमोरी टूल है, देखो ब्राउन दे सकता है, ब्लैक दे सकता है, ब्लू दे सकता है, तो बी का क्यूब लगा देते हैं और जी के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ग्रीन दे सकता है, ग्रे दे सकता है, ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रीन ग्रे, गलती से भी रेड नहीं लिख देना किसी भी बच्चे ने, रेड सिर्फ सीरियल्स में होता है, भूत लोग होते हैं ना जो उनका होता है इमेजिनेटिव बात, ठीक है? सो जो ह्यूमन आई है उसमें ये जो मेन फाइव कलर्स हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? आयरिस में, और ये हेरिडिटरी होते हैं, पेरेंट्स की आईज पे डिपेंडेंट होता है। एक बात सुनो, ह्यूमन आई को देख के साइंटिस्ट लोगों ने एक डिवाइस बनाई है जिसको आप फोटोग्राफिक कैमरा बोलते हो। फोटोग्राफिक कैमरा में जो शटर का काम होता है, शटर का क्या काम होता है कि जो कैमरे के अंदर लेंस होता है उसमें ज्यादा लाइट जाने देनी है या कम लाइट जाने देनी है, राइट? तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कैमरा, कैमरे को एक्चुअली दिखाया ही ह्यूमन आई को देख के बनाया गया। इसी तरह से ये जो आयरिस है ना बेटे, ध्यान से देखो, अगर आप किसी भी मैं तो बहुत दूर खड़ा हूं, आप अपने क्लासमेट की आंख को देखो, आंख के अंदर जो ब्लैक कलर का जो चीज दिख रही है ना वो टोटल देखो वो आयरिस है, और ब्लैक के अंदर भी एक सब ब्लैक दिखता है वो होता है प्यूपिल, असली में प्यूपिल से लाइट निकलती है। तो जो आयरिस क्या करते हैं,
वो जो प्यूपिल वाला होल होता है ना अंदर वाला, उसको ऊपर से ढक देते हैं या ज्यादा खोल देते हैं, ढक देते हैं या ज्यादा खोल, यानी ये कंट्रोल करते हैं आयरिस कि प्यूपिल के अंदर से लाइट कितनी जाने देनी है, लेंस तक कितनी पहुंचने देनी। मान लो एकदम से मैं ऐसे कमरे में आ जाऊं जहां बहुत ज्यादा लाइट है और मेरे को देखने में टॉलरेट नहीं हो पा रहा, चकाचौंध है पूरी, तो ये आयरिस मेरे प्यूपिल को ढक देगा ताकि कम लाइट जाए। मैं सड़क पे चल रहा हूं, अचानक ही ट्रक का हेडलाइट ऑन हो गया, दोनों हेडलाइट, तो ट्रक की लाइट भी इतनी बड़ी होती है तो मेरे को एकदम से चकाचौंध आंख में आई, तो मेरी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आयरिस प्यूपिल को ढक देगी, राइट। और अगर मैं अंधेरे कमरे में गया, मान लो मैं अंधेरे कमरे में, मेरा वहां पर 1000 रुपीज का नोट गिर गया और मेरे को दिख नहीं रहा, लाइट बहुत कम है, डिम लाइट है, बहुत डिम, तब ये आयरिस पीछे हो जाएगी, प्यूपिल का एरिया बड़ा कर देगी ताकि ज्यादा लाइट अंदर जा सके। तो आयरिस क्या करती है, प्यूपिल को ढकती है या ज्यादा नेकड करती है इन ऑर्डर टू अलाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन द लाइट। ज्यादा लाइट है तो आंख के अंदर ग्लेयर पैदा हो जाएगा, चकाचौंध पैदा होगा, बहुत ज्यादा लाइट में भी नहीं हम दिखता हमें। अगर आप क्रिकेट की जो हेडलाइट लगी होती है स्टेडियम में, उसको कमरे में यहां लगा दो ना, यहाँ छत पे, तो यहाँ कमरे में आपको दिखेगा ही नहीं कुछ, तो बहुत ज्यादा लाइट में भी आंख नहीं देख पाती और अंधेरे में भी नहीं देख पाती। सो ऑप्टिमम लाइट जितनी रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए, लाइट की क्वांटिटी को एडजस्ट करने के लिए आयरिस काम करता है। तो मैं आपको दूंगा बेटे इसमें हाफ टिक दूंगा, क्योंकि बच्चे आपने कलर्स के नाम नहीं बता सकते, एनी हाउ फिर भी ये बड़ा अच्छा आंसर था। तो अभी तक आप आगे जा रहे हो। अब मेरा आपसे काम ये है पूछना, शाबाश, कौन बच्चा मेरे को ये बताएगा कि आंख के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स, उनके नाम क्या है, नेम, काम क्या है, जॉब्स। ये तीन क्वेश्चंस का जवाब दे दो और फुल टिक ले लो, अभी तक आप विनर जा रहे हो। अरे टू टाइप्स, टू टाइप्स कह रहा है एक बच्चा, ओके बेटे। रोड्स एंड कॉन्स, दूसरा बच्चा कह रहा है उसका नाम रॉड्स एंड कॉन्स है, मंजूर है। तीसरा काम कौन सेल्स, तो जब मैंने हाफ टिक दिया था तो मेरे को हाफ क्रॉस भी लगाना पड़ेगा पीछे वाला। हाँ तीसरा बताओ बेटे, जॉब्स क्या? कौन सेल हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश कलर एंड रॉड सेल्स हेल्प्स टू सी इन द डार्क इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलो ठीक है बेटे, फुल टिक, ठीक है। अब मैं इसको एक बार टीचर समराइज भी कर दें सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हमारी क्लास में अगर कोई कमजोर बच्चा, उसका फायदा हो जाए। शाबाश। ये फोटो सेंसिटिव सेल्स दोनों के दोनों इस रेटिना के ऊपर होते हैं, जिसको कि हम आंख का स्क्रीन भी बोल सकते हैं, रेटिना। ये रेटिना के ऊपर जो रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं ना, इनका काम क्या होता है, जब यहां से लाइट आके यहां पर अपना इमेज बनाती है, तो जितने जितने एरिया पे इमेज बना उसको सेंस करते हैं फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स और कॉन्स, उस इमेज को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व को देते हैं। यानी के फोटो सेंसिटिव सेल्स, जिनका नाम क्या बताया अब टीचर ने बेटे, आर स्टैंड फॉर रॉड्स एंड सी स्टैंड फॉर कॉन्स, ठीक है, दो दो तरह के होते हैं। और सी से आपने, सी से सी याद रखना है, मतलब ये सी से सी, दूसरे सी का मतलब कलर, अलग अलग कलर्स देखने में मदद जो करे फोटो सेंसिटिव सेल्स, उनको कॉन्स बोलते हैं। लेकिन एक ही कलर, जैसे ये डार्क ब्लैक है, ये ग्रेइश टच है, ये डिम ब्लैक है, एक ही कलर में जो अलग अलग शेड होते हैं उनकी इंटेंसिटी को चेक करना हो, तो हमारे लिए रॉड्स काम करती हैं। एक ही शेड के, एक ही कलर में अलग अलग शेड्स को सेंस करने के लिए रॉड्स, लेकिन कलर टू कलर, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, कलर टू कलर डिस्टिंग्विश करने के लिए कॉन्स मदद करती हैं। और आपको सुन के हैरानी होगी
इंसान के आंख के मुकाबले, इंसान के आंख के मुकाबले एक जानवर को छोड़कर किसी भी जानवर के पास इतनी बढ़िया आईज नहीं है, और हजारों जानवर तो ऐसे हैं जिनके पास कॉर्न्स होते ही नहीं है, एनिमल्स के पास उनको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, कलर है ही नहीं उनके पास, और जिनके पास है भी कॉर्न्स थोड़ी बहुत है, जैसे मछली के पास थोड़ी बहुत है येलो ब्लू कलर देख सकती है ऐसे ऐसे, लेकिन फुली डेवलप्ड कॉर्न्स इंसान और एक और जानवर है उनको छोड़कर किसी के पास नहीं होती। क्या उस दूसरे जानवर का नाम बता सकते हो आप? हाँ, एक ही जानवर है बस जिसके पास हमारे मुकाबले की आईज है कलर देखने के लिए। सर ईगल। नहीं बेटे, ईगल की तो फोकस बढ़िया होता है बस, और कुछ ईगल का फोकस हमारे से कई गुना बेटर होता है, पानी के अंदर भी फोकस कर लेते हैं। हाँ नहीं बता पाए, उसका नाम है चिंपांजी, नोट कर लो, चिंपांजी हैज एज गुड आईज एज ह्यूमन बींग्स, ओनली चिंपांजी। और जो चिंपांजी का ब्रेन है ना वो भी 5 साल के बच्चे की समझ के बराबर होता है। अगर उसको चाबियों का गुच्छा दे दो और एक ताला लगा दो तो वो घंटा डेढ़ घंटा लगा के उसको खोल ही लेता है। एक बार उसको दिखाना होगा दूर से खड़े होकर। अगली अगली बात। अब बेटे इस चीज का नाम सभी बच्चों ने मेरे को पहले ही बता दिया था, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा विजिबिलिटी में फर्क पड़े। ये वाली जो चीज है देखो कहाँ से आ रहा है बेटे, अब जब जी इसका नाम मेरे बच्चों ने सिलियरी मसल बताया था, बिल्कुल सही, सिलियरी मसल्स। लेकिन मेरा क्वेश्चंस और है, इस सिलियरी मसल्स का काम मैं आप खुद ही बता दूंगा, काम इसका ये है कि ये सिलियरी मसल्स लेंस को दबा देते हैं, सेंटर से मोटा कर देते हैं, और लेंस को खींच लेते हैं तो सेंटर से पतला हो जाता है। ऐसा करने से लेंस की फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उससे मदद क्या मिलती है कि जो दूर की चीजें हैं उसके लिए भी ये लेंस रेटिना पे इमेज बना लेता है, जो पास की चीजें हैं उसके लिए भी रेटिना पर इमेज बना लेता है, लेकिन वन एट ए टाइम। कभी भी आंख ऐसा नहीं हो सकता कि दूर की चीज और पास की चीज को शार्पली इकट्ठे फोकस कर सके, ऐसा नहीं हो सकता मेरे को अपने हाथ की रेखाएं भी क्लियर दिखें और वो सामने खिड़की के बाहर पेड़ है वो भी क्लियर दिखे, दोनों में से इसके फोकस करूंगा तो पेड़ का इमेज ब्लर्ड हो जाएगा, पेड़ पे फोकस करूंगा तो ये हाथ की रेखाएं ब्लर्ड हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज नजदीक है एक दूर है। एट ए टाइम ह्यूमन आई लेंस कैन फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब उसको ये शक्ति देता कौन है, लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके ये सिलियरी मसल्स उसको ये शक्ति देते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आंख की उस खूबी को क्या बोलते हैं जिसकी मदद से वो नीड बेस्ड दूर वाली चीजों पे फोकस कर सकती है या पास वाली चीजों पे फोकस कर सकती है? अकोमोडेशन ऑफ आई। किस बच्चे ने बताया ये इतना बढ़िया शब्द, शाबाश, क्लैप फॉर दिस स्टूडेंट, वेरी गुड। क्या नाम है बेटे आपका? सर दीपिका। दीपिका वेरी नाइस, बिकॉज ऑफ यू फुल स्कोर टू योर क्लास, दैट नेम इज एवरीबॉडी शुड नो अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का हिंदी मीनिंग होता है बेटे जरूरत के मुताबिक ढाल लेना, ढाल लेना जरूरत के मुताबिक। जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त दोनों एक कमरे में रहते हैं, ठीक है, हम पुराने दोस्त हैं, अचानक हमारे तीसरे दोस्त का फोन आया, हम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थे और तीसरे दोस्त का फोन आया, यार मैं आप लोगों के शहर में आया हूँ तो फिर मैं और आप लोगों से मिलना चाहता हूँ, और या तो मैं कल जाऊंगा या आज जाऊंगा, तो हम उसको बोलते हैं यार कल चले जाना, कहते नहीं यार आपके पास रुकने की जगह नहीं है, आप तो पहले ही एक छोटे से रूम में दो बंदे हैं। तो हमने उसको क्या बोला दोनों दोस्तों ने, यार तू हमारा पुराना दोस्त है, हम कैसे भी करके अकोमोडेट कर लेंगे, गद्दे जमीन पर लगा लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो जरूरत के मुताबिक हमने कमरे में स्पेस बना ली, तीसरे लड़के को अकोमोडेट कर लिया।
इसी तरह सिलियरी मसल्स लेंस को शेप करके दूर की चीज या पास की चीज पर फोकस करवा देते हैं, अकोमोडेशन। अच्छा कौन बच्चा मेरे को यह बताएगा अगर इंसान की दूर की नजर कमजोर हो जाए उसके लिए क्या वर्ड लगता है? मायोपिया। उसके लिए बच्चे ने बोला अगर दूर की नजर कमजोर हो जाए मायोपिया। एक बार मैंने पेपर में पूछ लिया कि व्हाट इज मायोपिया, बच्चे ने डेफिनेशन लिखी और मेरे को क्रॉस करना पड़ा। उसने लिखा था इन मायोपिया आई डिफेक्ट द ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सी द फार ऑब्जेक्ट्स। गलत, कैन नॉट सी नहीं लिख सकते, कैन नॉट सी तो अंधा हो गया दूर की चीजों के लिए। आपने लिखना है इन द मायोपिया आई डिफेक्ट द फार सिचुएटेड ऑब्जेक्ट्स आर सीन ब्लर्ड, धुंधले। ब्लर्ड वर्ड यूज करना है बच्चे, ब्लर्ड टू द ह्यूमन आई। नजदीक की चीजें सही दिखेंगी, दूर की चीजें धुंधली दिखेंगी। ओके ये मायोपिया होता है। और स्टूडेंट शेप में कहते अब लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि जो बंदे हमेशा स्पोर्ट्स शूज डाली रखते हैं, सारा दिन शूज ही पाई रखते हैं, नंगे पैर चलते नहीं है, और कोक ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनको ज्यादा मायोपिया होने के चांस। ब्लैक कलर का कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर नंगे पैर नहीं चलते। दूसरी बात, अगर दूर की चीजें तो सही दिखे, पास वाली ब्लर्ड दिखे, उसके लिए क्या यूज करें? हाइपरमेट्रोपिया। शाबाश, हाइपर मेट्रोपिया। लेकिन कभी कभी सिलियरी मसल इतने कमजोर हो जाते हैं कि उन बच्चों को ना तो पास की चीज दिखती है क्लियर, ना दूर की। उन लोगों को बुढ़ापे में होता आमतौर पर ये 40। जब दोनों नजरें कमजोर हो जाएं तो प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है, प्रेस बायोपिया, राइट। अब मेरे को ये बच्चा, कोई बच्चा बताए, मैं एक वर्ड लिखने लगा हूं उसका मीनिंग क्या है, वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंड माय वर्ड इज दिस। शाबाश, हु विल टेल द मीनिंग ऑफ दिस? फिर से लिखता हूं, व्हाट इज दिस? CATARACT। When a white cloud appears in the cornea. In the cornea, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चे, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में ना यहाँ पर व्हाइटिश पाउडर डेवलप हो जाता है कहीं कहीं। फिर से सुनो, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस के बीच में जहां पर हमने एक्वस ह्यूमर भरा हुआ लिक्विड, वहां व्हाइटिश चीज डेवलप हो जाती है कॉर्निया के ऊपर चिपकी हुई अंदर की साइड पर। तो उससे क्या होता है, इंसान जिधर को भी देखता है उसको दिखता तो है लेकिन ऊपर ऐसे लगता है जैसे बादल तैर रहे हो, क्लाउडी विजन हो जाता है ना, व्हाइटिश टिंग आ जाती है सारी चीजों पे, तो उस इंसान को बड़ा अच्छा नहीं लगता। इस प्रॉब्लम को कैटारेक्ट बोलते हैं। अगर इसका इलाज ना करो तो वो जो सफेद बादल है वो धीरे धीरे काले दिखने लग जाते हैं। जब तक वो सफेद दिख रहे हैं तो उसको सफेद मोतिया बोलते हैं, और जब काले हो जाएं, जब काले हो जाए तो उनका इलाज बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर वो काला मोतिया हो जाता है। इंग्लिश में उसको कैटारेक्ट बोलते हैं। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं, वो यहां से कॉर्निया का कट लगाते हैं, कॉर्निया की विंडो को खोलते हैं और अंदर से जो व्हाइटिश टच है उसको क्लीन करते हैं, ठीक है, कॉर्निया को दोबारा रिप्लेस कर देते हैं और आंख के ऊपर हरे रंग का पर्दा लगा देते हैं। इस कॉर्निया की खूबी है ये लगभग 36 आवर्स के अंदर अंदर ये दोबारा से चिपक जाता है जहां से इसको कटा था। ऐसे विंडो की तरह खोल लेते हैं, साफ कर देते हैं। यानी वो व्हाइटिश पाउडर आया कैसे, उसका रूट काज नहीं दूर करते डॉक्टर, बस वो उसको सफाई कर दिया जैसे शीशा साफ कर दिया हो, है ना, तो उसको साफ करके वो दोबारा लगा देते हैं, तो उस इंसान को 2-3 सालों के लिए फिर से सही दिखने लग जाता है, राइट। तो इस तरह से कैटारिक्ट का ये इलाज कर लेते हैं। अब मेरे को ये बच्चा बताए कि बेटे जब हमने मायोपिया को सही करना होता है, मायोपिया आई डिफेक्ट को सही करना होता है, तो हमारे चश्मे में, हमारे स्पेक्टिकल्स में, ग्लासेस में, एनक में कौन सी टाइप का लेंस लगेगा? कॉनकेव। बिल्कुल सही, तब हमारे पास
कंकेव लेंस लगेगा, ऐसे ऐसे वाला लेंस होएगा, जैसे मेरा ना मायोपिया है मेरे को बेटे, मैंने भी बचपन में शूज डाले रखता था और लेट के पढ़ता था, तब मेरे को ये मायोपिया हो गया। तो मेरे सेंटर से जो लेंस है वो पतला है, किनारों से मोटा है, तो ये होता है कॉनकेव लेंस, बल्कि बाई कॉनकेव लेंस कहेंगे, राइट। और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लगता है? कन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये लेंस आंख के लेंसों की मदद करते हैं। और प्रेस बायोपिया में कैसा लगता है? बाइफोकल बाई, कभी 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 आपने देखा ऐसा चश्मा भी होता है किसी के पास, ये ऐसा मैं बताता हूं अभी, उनके चश्मे के अंदर, उनके स्पेक्टिकल्स के अंदर इस तरह से एक पतली सी लाइन दिखती है, या अगर लाइन नहीं दिखती तो उनके यहां पर ऐसे सर्कल सा दिखता है ट्रांसपेरेंट कांच के अंदर, ऐसे करके। तो ये बाईफोकल लेंसेज होते हैं। अगर इन इंसानों ने इनकी दोनों नजरें कमजोर हैं, प्रेस बायोपिया हो गया, जब इन्होंने नजदीक की चीज देखनी है तो यहां से नजर रखते हैं नीचे वाले से, जब दूर की चीज देखनी है तो ऊपर वाले ग्लास से देख। वैसे आजकल एक फोकल लेंथ लेंसेज भी आ गए, जो लेटेस्ट आए हैं उनमें ये लाइन भी नहीं दिखती, पता ही नहीं लगता, ठीक है, इतना उन्होंने अच्छी तरह से मर्ज कर दिया। क्लियर है बेटे? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओगे? शाबाश। जिस जगह पर जी, ये जो प्यूपिल है ना, ये वाला प्यूपिल देखो, आयरिस के बीच में ये वाला एरो जो बता रहा है प्यूपिल है, इस प्यूपिल का साइज क्या होता है? देखिए कौन बताता है, साइज का मतलब, गोल चीज के साइज का मतलब उसका डायमीटर कितना है। व्हाट इज द साइज ऑफ प्यूपिल ऑफ ह्यूमन आई? काफी देर से आपको टिक मिल रहे थे, लगता है अब बड़ा क्रॉस मिलेगा इस बार। साइज ऑफ द प्यूपिल ऑफ द ह्यूमन आई, नो बॉडी इज गोइंग टू टेल, इट इज 2.5 मिलीमीटर। अच्छा, इंसान की आंख लेंस से कितनी दूरी पर सबसे बढ़िया देख सकती है? डिस्टेंस, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये देखो 2.5 का फिगर कुदरत को कितना पसंद है, इसका डायमीटर 2.5 मिलीमीटर, आंख का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और कितनी दूरी पर आंख बिल्कुल सही देख सकती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो एक आपको क्रॉस देना पड़ेगा बड़े वाला, राइट। अब मेरे को लेक्चर के आखिर में देखना चाहिए कि मेरे बच्चों के कितने स्कोर आए। तो बड़ा क्रॉस, बड़ा क्रॉस, बड़ा क्रॉस, स्मॉल स्मॉल स्मॉल, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो इट बिकम -4.5, ठीक है। और प्लस में देखें तो 1 2 3 4 5 बड़े हो गए, और छोटे दो हो गए, 6 और 7 आपके प्लस में मार्क्स आए, राइट। सो इसका मतलब आपकी क्लास कितने बच्चे हैं, कितने मार्क्स से जीत गई, बोलो बोलो। 2.5 मार्क्स प्लस से लेकर आपकी क्लास की परफॉर्मेंस पॉजिटिव में रही, स्कूल की परफॉर्मेंस। सो यू ऑल डिजर्व ए क्लैप फॉर योरसेल्फ, प्लीज क्लैप। शाबाश। आपको आई का कॉन्सेप्ट पहले से बेटर हुआ बच्चे? अगर हुआ तो प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स। हैव यू अंडरस्टूड? और चाहूं तो मैं इसको जितना बताया मैं इससे 3 गुना ज्यादा डेप्थ पे बता सकता हूं, लेकिन फिर वो आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। तो वाइल कीपिंग माई सेल्फ कन्फाइंड टू द सीबीएसई सिलेबस, तो मैंने आपको ये बताया, राइट। और एक चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दी सिलेबस से, रॉड्स एंड कॉन्स वाली, ठीक है। वो एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, प्राइवेट बुक्स में जरूर है, राइट। फिर भी क्लास में बच्चों को पता था, राइट। सो आज का लेक्चर बच्चे समझ आया? तो मैंने आपको एक ह्यूमन आई के ऊपर एक असाइनमेंट दे रखी है, वो आप करने की कोशिश करोगे। ह्यूमन आई के ऊपर मॉड्यूल 1 है और उसके अंदर 12-13 क्वेश्चंस हैं, जो आप घर से करके आओगे। अभी नहीं, आई थिंक पीरियड इज ओवर। टाइम बचा या नहीं बचा?
नो सर नो तो ये असाइनमेंट आप करके आओगे, फिर हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटे? चलो थैंक यू। Gracias.